हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। अभी देखिए एकदम से सुबह का टाइम है और बहुत अच्छा लग रहा है सुबह के टाइम में, क्योंकि बारिश हो रही थी बाहर, तो मैं बस जल्दी से उठ गई थी और उठने के बाद बाहर आ गई थी। और अभी इस टाइम आदि और हस्बैंड दोनों ही सो रहे थे, बस मैं ही उठ गई थी सुबह आज बहुत जल्दी। और उठने के बाद जितने भी काम थे घर में, मतलब सुबह का जो काम था घर में, झाड़ू लगाना और फिर जो भी बर्तन थे वो साफ़ करना, वो सब मैंने कर लिया था। और यहाँ पर देखिए ये वाला पेड़ है अमरूद का, जहाँ से हम लोग अमरूद लाते थे, एकदम घर के सामने ही है पेड़। और ये देखिए मैंने बर्तन साफ़ कर लिए हैं, अभी बारिश थोड़ा सा कम हो गया था तो उसके बाद ही मैंने बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे। और आज मैं बनाऊंगी आटे का चीला। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ पानी और थोड़ा सा नमक ही ऐड किया था। और देखिए चीला बनाने के लिए बैटर एकदम से रेडी हो गया है और मैं इसको नमक के साथ ही बनाऊंगी। चीनी के साथ अगर बनाऊं तो एकदम से मीठा हो जाता है, तो मुझे पसंद नहीं है, तो इसलिए मैं चीनी के साथ चीला नहीं बनाती, बस नमक के साथ ही बनाती हूँ। और एकदम से कम तेल में मैंने इसको अच्छे से बना लिया है, एकदम से रोटी के जैसा ही पतला सा मैं चीला बनाती हूँ और मुझे चीला बहुत ही पसंद है। और हम लोग ज़्यादातर चीला गुड़ के साथ ही खाते हैं, क्योंकि गुड़ मीठा होता है और चीला थोड़ा सा नमकीन होता है, तो हम लोग गुड़ के साथ ही खाते हैं चीला। तो देखिए अभी यहाँ पर मैंने ले लिया है दूध और इसके बाद मैं आदि को भी चीला दे दूँगी गुड़ के साथ, और वो भी गुड़ के साथ ही चीला खाता है और उसे भी चीला गुड़ के साथ बहुत ही पसंद है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ देविका, देविका असम लाइफ स्टाइल चैनल में आप सभी का स्वागत है। कैसे हो आप सब, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हो कि आप सभी अच्छे ही होंगे। और अभी मॉर्निंग का टाइम है और हमारा ब्रेकफास्ट हो गया है और मैंने सुबह जो घर का काम होता है वो भी मेरा एकदम से हो गया है अभी। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में, थोड़ा सा काम है तो वो मैं कर लूंगी और उसके बाद जाऊंगी मैं नहाने के लिए। तो अभी आदि नहीं है, वो गया है ट्यूशन और फिर हस्बैंड जी चले गए हैं दुकान। तो अभी 11 बजने वाले हैं, तो आदि तो चला गया था 10:30 बजे ट्यूशन, और उसके बाद मैं जो भी काम था घर में वो मैंने सब कुछ कर लिया है। तो अभी मैं जाऊंगी किचन में, क्योंकि थोड़ा सा सोयाबीन मुझे अभी पानी में भिगो कर रखना है, क्योंकि मैं आज सोयाबीन की सब्जी बनाऊंगी और फिर कुछ मैं पकौड़े भी बनाऊंगी आज, और थोड़े से कटहल के बीज थे जो कि हम लोगों ने परसों खाए थे कटहल, तो उसका बीज है तो वो मैं थोड़ा सा बॉईल कर लूंगी। और बॉईल करने के बाद आज मैं बनाऊंगी भरता, क्योंकि मैं जब भी कटहल की बीज की भरता बनाती हूँ तब मैं उसको भून कर उसको अच्छे से कूट कर फिर मैं भरता बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बॉईल करके फिर बनाऊंगी भरता। तो यहाँ पर देखिए पुच्ची है, देखिए ये यहाँ पर एकदम से चुपचाप से बैठी हुई है। और पुच्ची ये देखिए ये देख रहा है अभी, और इसको बुलाने से ही ये देखता है, नहीं तो ये सुनता भी नहीं है, बस जब भी बुलाऊं बस आ जाता है, कहीं भी हो वो फटाफट से आ जाती है घर में। पुच्ची और पता नहीं बिजली को क्या हुआ है, सुबह से बिजली ही नहीं है और बहुत ही गर्मी लग रही है। इतना तो धूप नहीं है लेकिन फिर भी बहुत ही गर्मी लग रही है। और फिर मेरा घर का तो काम हो चुका है, अब मैं जाऊंगी नहाने के लिए। और फिर देखिए हमारा ये वाला फैन भी खराब हो गया है, कल रात से पता नहीं क्या हुआ है, अभी चल नहीं रहा है। और अभी हम लोग इस वाले फैन से ही काम चला रहे हैं, और इस वाले फैन से ना नहीं होता, क्योंकि ये बस एक ही साइड में सब लोग होते हैं तभी ये मतलब अच्छे से मतलब हो जाता है इससे। अगर सब लोग अलग अलग जगह पर हो तो ये वाले फैन कोई काम की नहीं है, तो इसीलिए अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत ही गर्मी भी लग रही है और ये वाली फैन नहीं है तो मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो रहा है। तो फिर मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद,
मैं जाऊंगी किचन में और उसके बाद आप लोगों से फिर मैं मिलती हूँ। और यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर कटहल के जो बीज थे उसको मैंने यहाँ पर दो टुकड़ों में काट कर फिर पानी में डिप करके रखा है, तो इसके जो छिलके हैं वो बहुत ही जल्दी उतर जाते हैं ऐसे अगर रखा जाए तो इसीलिए मैंने इसको पानी में डुबो कर रखा है। और इसको मैं बॉईल करूँगी। और यहाँ पर देखिए, हस्बैंड ने सुबह ये अमरूद और फिर ये नींबू पेड़ से ला कर रखे हुए हैं, और आदि और हस्बैंड जी तो सारा दिन बस जब भी टाइम मिलता है बस अमरूद लाते हैं और खाते हैं दोनों एक साथ मिलकर। तो यहाँ पर देखिए, मैंने कटहल के बीज को अच्छी तरह से बॉईल कर लिया है और उसके साथ प्याज, नमक और फिर तेल और एक लाल मिर्च को मैंने थोड़ा सा फ्राई कर लिया था, और अभी मैं इसको अच्छी तरह से मिला लूँगी और इसका मैं भरता बना लूँगी। और देखिए, मैंने मोबाइल पता नहीं किस तरह से पकड़ा था, तो देखिए मेरा वीडियो एकदम से छोटा सा प्यारा सा हो गया है। और ये देखिए, मेरा जो कटहल के बीज का भरता था वो एकदम से रेडी हो गया है। तो चिली मैं बाद में मिलाऊंगी क्योंकि आदि भी खाने वाला है। तो ये देखिए, मैंने सोयाबीन की सब्ज़ी बनाई है आलू के साथ, और कल का थोड़ा सा बचा हुआ फिश करी था, और इसी के साथ हम लोग लंच करेंगे। और अभी देखिए, हस्बैंड जी जब दोपहर घर में आए थे तो ये चीज़ें लाए थे, तो सोचा मैंने कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। तो आदि के लिए यहाँ पर हॉर्लिक्स लाए हैं और फिर ये मूंग दाल, क्योंकि आदि को खिचड़ी खाना था, बहुत दिनों से बोल रहा था, तो इसीलिए मूंग दाल लाए हैं हस्बैंड ने। और यहाँ पर दो मेरीगोल्ड बिस्किट का पैकेट लाए हैं, और ये भी आदि ही बोल रहा था कि उससे मेरीगोल्ड बिस्किट खाना है, तो इसीलिए मेरीगोल्ड बिस्किट लाए हैं। और यहाँ पर देखिए, मोम का एक पैकेट जो कि मैं भगवान जी के आसन पे जलाती हूँ मोम। तो यहाँ पर एक रिफाइंड तेल का बोतल लाए है, और ये है सोयाबीन का एक पैकेट, और ये है सरसों का तेल, और फिर यहाँ पर मुरमुरा है जो कि हम लोग चाय के साथ खाते हैं। हम लोग नहीं, मैं ही खाती हूँ सिर्फ मुरमुरा, मैं और आदि ही खाती हूँ, और हमारे साथ पूछी भी खाती है। और ये देखिए, एक चने का पैकेट भी लाए हैं, और फिर ये दाल, और उसी के साथ एक जैस्मिन का हेयर ऑयल, और ये है शैम्पू हेड एंड शोल्डर का, जो कि मैं 12 महीने यही वाला शैम्पू ही यूज़ करती हूँ। शैम्पू और कंडीशनर हमारे घर में सिर्फ हेड एंड शोल्डर का ही आता है। और अभी देखिए, हम लोगों ने चाय पी लिया, और चाय पीने के बाद अभी देखिए आदि होमवर्क कर रहा है। आज भी हस्बैंड जी घर में ही काम कर रहे हैं क्योंकि उनका थोड़ा काम बचा हुआ था, तो इसीलिए दुकान भी बहुत जल्दी ही बंद हो जाता है, तो इसीलिए वो आ गए थे सब कुछ लेकर घर में ही, और आज भी वो घर में ही काम कर रहे हैं। और आज वो एक चेन बना रहे हैं, कमल चेन, जो कि नेकलेस के लिए वो बना रहे हैं अभी। और इसके बाद देखिए, आज मैं बनाऊंगी पकौड़ी, क्योंकि मैंने दिन में नहीं बनाए थे, मैंने सोचा था कि बनाऊंगी बट मुझे बनाने का मन नहीं था, क्योंकि सब्जी वगैरह तो था, जो भी था बस हो जाएगा, तो बस यही सोच के मैंने दिन में नहीं बनाया। तो आज का व्लॉग मेरा यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, क्योंकि अभी हम लोग डिनर कर लेंगे, हमारा सब कुछ काम हो गया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय एवरीवन।